दोस्तों सुबह हो गई है और मैंने तो अपना कोलगेट कर लिया है, लेकिन ताया अभी अपना कोलगेट कर रही है। तो देखते गांव में कैसे कोलगेट हुआ जाता है। और मेरी नानी बर्तन धो रही है, वहाँ आप देख सकते हो वहाँ पर। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में मैं हूँ महेली गाँव में। तो अभी आज हम बनाने वाले चटनी, पुदीने की चटनी। और आप ये देख सकते हो यहीं सामने पुदीना लगा हुआ है, एकदम ताज़ा 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 पुदीना तोड़ा है। और इसकी चटनी बनेगी, और साथ में होगी रोटियां, मोटी मोटी रोटियां, और उसके साथ देसी घी। तो अभी की नानी ने अपने हाथों से घी बनाया, और उनकी गाय है तो उसके दूध का ही घी है वो, उसका मज़ा ही अलग होगा एकदम जो हम खाएँगे। तो ये देखो, ये मैंने तोड़ दिया इतना पुदीना। आइए तो चलिए हम चलते हैं अपनी चाची जी के घर में, जो कि हैं अभी की नानी, और वो बनाने वाली हैं अभी चटनी। और ये देखिए, ये है हमारी नानी अभी चटनी बनाने वाली है। हाँ। और ये है मेरी मम्मी। चलो आओ अभी अंदर चलते हैं। ये है मेरी मम्मी जो आग जला रही है। तो ये है ओरिजिनल किचन, देखो जरा। और यहाँ पे है हमारी देवरानी, जो कि अभी रोटी बनाएंगी चूल्हे में। और यहाँ पे हर खाना चूल्हे में बनाया जाता है, सिर्फ चाय को छोड़ के। चाय गैस पे बनाते हैं, क्योंकि क्या है कि खाना बनाने के लिए चूल्हा जलाओ तो फिर ऐसे नहीं होता कि एक चीज़ बनाई और बंद कर दिया, चूल्हा तो जलता रहता है। इसलिए साग सब्जी रोटी यहाँ पर बनाई जाती है। और यहाँ पे अच्छा ये है, ये तो वो चक्की वाला है ना जिसपे आप चटनी बना रहे हो। तो ये जंदूर। हाँ, ये तो दोस्तों, हाँ ये है जंदूर, जिसमें पहले हम लोग आटा पीसते थे, मतलब गेहूं पीसते थे और आटा बनाते थे। अब इन्होंने इसको सिलबट्टी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आप देख सकते हो सिलबट्टी की तरह। ये है ना। और ये है यहाँ पे देवता जी, यहाँ पे मतलब पूजा करते हैं लोग, और यहाँ पे औरतें नहीं जाती। ये एक बाउंड्री बना रखी है, देखो वहाँ पे, उस बाउंड्री से आगे कोई नहीं जाएगा, सिर्फ यहाँ पे आदमी लोग ही जाते हैं। और आपको दिखाऊं, ये देखो धुएं के लिए बना रखा है ऊपर, जैसे हम ये चूल्हा जलाते हैं तो धुआं होता है, तो वो धुआं ऊपर से निकल जाएगा, ये देखो। और उसमें एक वो भी दे रखा है, ये देखो, इसको अगर बारिश हो रही है इसको ऐसे करके जो इस छोटा सा सुराख है उसमें डंडी से ऐसे बंद कर दो। अच्छा अच्छा ये डंडी है, तो आपको दिखाती हूँ, ये देखो इसको डंडी से ऐसे कर दिया तो ये बंद हो गया, ये देखो है ना। और जब चूल्हा इस्तेमाल करना है तो ऐसे खोल दिया, इधर भी तो इधर। और आप देख सकते हो यहाँ की लकड़ियाँ, और ये सबसे पुराना घर है, और ये लगभग 250 से 300 साल पुराना है जो ये बना हुआ। हाँ, तो अभी की नानी जी कह रही हैं कि उनके सास ससुर ने भी ऐसे ही देखा ये घर बना हुआ। ये भी इधर देखते ना, इधर भेड़ जाते हैं लोग। अच्छा यहाँ पे यही डालते भेड़। हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ पे भी हैं एक देवी देवता जो हमारे नरसिंह होते हैं वो। और ये आप देखो, ये घंटी लगा रखी है यहाँ पे, और जब यहाँ आए थे तो यहीं पे देवता का वास है। और यहाँ पे जितने भी परिवार हैं वो सब एक ही खानदान के हैं, और जब भी यहाँ पे शादी ब्याह होती है, कोई भी शुभ काम होता है, तो यहाँ पे मत्था टेकने सब आते हैं। और जब दिल्ली से आते हैं तो भी आते हैं, और मतलब शहर से कहीं से भी आते हैं तो भी यहाँ पे आते हैं मत्था टेकने। और जब वापस जा रहे होते हैं तब भी यहाँ पे जरूर मत्था टेकने आते हैं। तो एक साइड है ये गोलू, ये कौन से देवता हैं इधर वाले? गोलू पंतुर्जिया। अच्छा, तो ये इस तरफ है गोलू देवता, ये आप देख सकते हो एक साइड, और एक साइड है ये हमारे नरसिंह भगवान जी का बना रखा है।
और इधर बनती है रोटियां गरम गरम। उसमें चाय चाय किस में बनाओगे फिर बाद में? अच्छा हाँ तभी तो कह रही हूँ। नहीं नहीं चाय के साथ दही कौन खाता है? नहीं जैसे खाने हो किसी। अच्छा अच्छा खाली चाय या रोटी है ना? और अच्छा क्या चाय रोटी घी घी बताना। तो आज हम खाने वाले हैं चून की रोटियां। ये इसमें चून मिला रखा है आटा और उसमें चून जैसे कि कई जगह होता है बाजरे का आटा उसी तरह से हमारे गांव में होता है चून का आटा काला आटा तो उसी की आज रोटियां बन रही हैं। तो उसको मतलब गेहूं के आटे के साथ मिला के बना रहे हैं। और इधर चाय भी उबल गई। तो दोस्तों चाय बन गई है और चलो दिखाते हैं आप लोगों को। चाय बन चुकी है चटनी भी बन गई है और रोटियां भी बन गई हैं। तो अभी थोड़ी देर में खाएंगे सभी। तो अभी दिखा देते हैं आपको। देखो चाय भी बन चुकी है और इधर चटनी भी तैयार हो गई है। और रोटियां भी बन गई हैं। रोटी देखो कितनी अच्छी लग रही है। हाँ ये देखो क्या लानी पकने दादी को रात प्यार का रे पकने। अच्छा एक बार देना उन्होंने। तो तैयार हो गई हमारी चाय चटनी और ये है गाय का घी। तो चलिए अब नाश्ता कर लेते हैं। तो ये ले रहे हैं हम इसमें घी प्योर देसी घी गाय का और साइड में हम लेंगे थोड़ी सी चटनी। देख चटनी और अब इसमें लगा दो रोटी। ये देखो ये ढबनिया रोटी और इसके साथ चटनी और घी। तो इसका मज़ा ही अलग है। मतलब कि इसमें चटनी इतनी पौष्टिक होती है क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें डली होती हैं और ढबनिया रोटी हमारे गांव की जो कि पेट के लिए बहुत बढ़िया होती है और इसमें बहुत ताकत है। ये पेट को एकदम सही रखती है तो इसका मज़ा ही अलग है। और साथ में है चाय और ये ओरिजिनल घी है। तो दोस्तों आपको ये दिख रही होगी ये लौकी इसको घिया भी बोलते हैं। और इसमें क्या होता था पहले के टाइम में इसका जो है ये वाला मुंह काट देते थे और इसके अंदर जैसे दालें जो होती थी दालें भर देते थे और फिर इस पर क्या होता था इसको वापस लगा के इस पर कपड़ा बांध देते थे कपड़े से इसका मुंह बंद कर देते। तो ये दालें बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती थी। और ये देखो ऐसे क्योंकि ये पत्थर की तरह बन गया बिल्कुल आपको दिख रहा होगा इसकी आवाज़ से ही पता चल रहा होगा। तो पहले के ज़माने में इस तरह से डब्बे तो होते नहीं थे तो इन्हीं के अंदर रखा जाता था जो भी दाले दूले होती थी उनको ऐसे ही उसके अंदर रखा जाता था। और अब देखो यहाँ सामने का खूबसूरत सा नज़ारा जो कि आपको दिख रहा होगा एक साइड छाया है और एक साइड देखो धूप है। पर्वत कितना खूबसूरत लग रहा है एक साइड छाया एक साइड धूप। और अभी हम रुके हुए हैं यहाँ पे जो हमारी दरानी है उनकी चाची जी के यहाँ पे और अभी पीने वाले हैं यहाँ पे भी चाय। तो आपको पता है गाँव में तो हर जगह चाय बहुत मिलती है भाई पीने के लिए। तो हेलो दोस्तों मेरा नाम है अब्बी और ये है मेरी ताई और मैं हूँ इनका बेटा। ये देख सकते हैं आप नानी चाय पी रही है और वो मेरी छोटी नानी है। बोल नानी भी है छोटी नानी और वो मेरी छोटी नानी है वो चाय पिला रही है और वो मेरी मम्मी है वो चाय पिला रही है कारनेदार है। तो ये लो आ गए हम गाय की छन्नी में। वो देखो वो अर्जुन को छोटा वो मार रहा है गुस्सा हो रहा है देखो कितना अभी हैंड मार रहा है बाबू मार रहा है शेर बन रखा है शेर बना हुआ है। नहीं देखा मेरे को देख के नहीं कर रहा अच्छा हाथ लगाओ एक बार को डर रहे हो ओए ये मेरे को टक्कर मारने आ रहा है। तो ये जो गाय है वो उसका ये छोटा सा बच्चा है और ये जो गाय है ये है अभी और की अभी की नानी की।